क्या ट्रैक चेंज कर लिया इसने अपना? तो इसका जो पाथ है वो हमारा ट्रैक जो है वैसे का उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, आई विल जस्ट कम अप ऑन द ब्रिज एंड आई विल सी फॉर मायसेल्फ। डोंट वरी आई एम कमिंग अप, कमिंग अप ऑन द ब्रिज। ओके ओके थैंक यू। सेकंड एपिसोड को नई वेदर अपडेट मिली है। अकॉर्डिंग टू दैट अपडेट, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म था जो कि फिलीपींस को हिट कर रहा था। हिट वो फिलीपींस को अभी भी कर रहा है, बट हो ही रहा है कि फिलीपींस को क्रॉस करने के बाद इंस्टेड ऑफ स्लोइंग डाउन, स्लो डाउन होने के बजाय वो एग्रीवेट हो रहा है। जरा परेशान हो रहा था। लेट्स गो, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू कि अगर ट्रॉपिकल स्टॉर्म आए तो हम उसको अवॉइड कैसे करते हैं। और बाय द वे, अगर आपको कैमरे का फ्रेम ऐसे हल्का हल्का हिलता हुआ नजर आ रहा हो ना, तो कैमरा अभी है जिम्बल के ऊपर। जिम्बल बिल्कुल इसको फ्लैट रखता है अर्थ की सर्फेस के मुताबिक। जहाज रोल कर रहा है लेकिन ये कैमरे को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। तो कैमरा हवा में उसी जगह पे लटका हुआ है और जो जिम्बल है वो साथ साथ रोल किया जा रहा है। आई शो यू एवरीथिंग। नाम क्या है इसका? वोंग फोंग। ये है ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म वोंग फोंग। ये यहाँ पे क्रिएट हुआ है मलेशिया के तरफ, फिलीपींस के तरफ, सॉरी। वैसे फिलीपींस की जिंदगी बेचारों की अजाब ही है। एवरी ईयर समथिंग हिट्स देम यार, एवरी ईयर हर साल कोई ना कोई तूफान को हिट कर रहा होता है। Okay, now we have already delayed the vessel for about 4 hours. Yes, sir. Is that going to affect? Yes, sir. Just a little bit, not much. I mean, this is the interval between two positions, right? 3 hours and 3 hours. Yes. So, we are here. Storm is here. Now it is at our beam exactly. ठीक है, and this is the wind direction. Swell 1.2 meter and sea is 0.2 meter. In the fourth quarter. This is probably the closest we are getting from the storm, right? So what we can do is, right now you're running at 67 RPM, correct? Increase to 72 until we clear all the storm and everything, because I think speeding up is a more wise decision. Just call engine room, increase the RPM to 72. उनको बोलो कि हमने speed up करना है। ये आपको जहाज चलता हुआ नजर आ रहा है circles में, और ये आपको storm आता हुआ नजर आ रहा है। ये आगे चढ़ गया जनाब storm Philippines के ऊपर, और ये हमारा ship इस वक्त यहाँ पे है। So, this area is going to be probably the closest. 1.1 meter हमारे के पास तकरीबन swell हमें जो है एक्सपीरियंस होगी। इट्स नॉट वर्स, हमने इससे ज़्यादा बुरे तूफान देखे हैं। आपको सीगल्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं इतने सारे। ये सीगल्स किस चीज़ की इंडिकेशन है? ये देखें, ये एक उड़ रहा है मस्त। ये चीज़ की निशानी है कि इस वक्त हमारे पास कोई ना कोई आइलैंड है, और आइलैंड वाकई है। इट्स अ जैपनीज आइलैंड। ना सिर्फ आइलैंड छोटा सा है, साथ में बादल भी आए हुए हैं, हेजी सा हुआ है, उससे नज़र नहीं आ रहा, वरना मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो हवाओं की रफ्तार बढ़ती जा रही है, स्वेल बढ़ती जा रही है, वेव्स बढ़ती जा रही हैं, तूफान आ रहा है आगे, और तूफान का नाम है वोंग फोंग। It has reduced quite a lot in intensity also. But now the after effects of this TRS we are going to experience tomorrow. But hopefully not that much. That's the good news. लेकिन हमने अपनी स्पीड भी बढ़ा दी थी, वी इंक्रीज द स्पीड ताकि हम जल्दी इस एरिया से क्लियर हो जाएं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज रोलिंग होगी काफ़ी। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कैमरा ऊपर नीचे मूव कर रहा है जिम्बल के ऊपर। रोलिंग थोड़ी सी हो जरूर रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी मैं उम्मीद कर रहा था। इट्स मच बेटर। बिल्कुल बीच में यहाँ पे ये बारिश हो रही है सारी की सारी। ये अल्लाह भला करे आपका, जो आपको ये जगह नज़र आ रही है ना, ये सारा का सारा ताइवान का मेन लैंड है। ये ताइवान का ओरिजिनल मुल्क है। तो बेसिकली अगर आपको जहाज़ का बहुत बहुत ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो ये इसलिए कि हमें हल्की सी स्वेल मिल रही है। तो अब हमें स्वेल मिलेगी देखिए 0.9 मीटर्स की। अच्छी बात है, लोग कंफर्ट में रहेंगे। अगर 1.2 मीटर्स की स्वेल मिले तो जहाज़ बहुत ज़्यादा रोल करता है,
कुछ को सी सिकनेस भी होती है, और सी सिकनेस में होता ही है कि आपको फिर उल्टी आती है बार बार, आपको चक्कर आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग जो है ना वो इसमें कहते हैं कोई आपने को नशा कर लिया ज़बरदस्त किस्म का और आपको चक्कर आते हैं, और चक्कर आने के बाद फिर उल्टियाँ आती हैं साथ में। खैर ये सबके साथ नहीं होता, विद द फ्यू इट हैपन्स अ लॉट। कुछ लोगों के साथ ये थोड़ा बहुत होता है और कुछ लोगों के साथ ये बिल्कुल भी नहीं होता। सो इट आई गेस इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई थिंक ये जो एरिया है दिस इज पैसिफिक ओशन। वेल पैसिफिक ओशन तो खैर पूरा ही है, पर यहाँ पे अब खुला हवाई की तरफ अगर आपने जाना है तो आप फिर आप इस तरफ जाएंगे, जैपनीज आइलैंड्स भी आपको इस तरफ मिलेंगे। वैसे आप तो सोच रहे होंगे ना आपको जहाज रोल होता हुआ नजर आए, आप वो चीज़ देखें कि जनाब जहाज़ पर जब रोलिंग होती है तो होती कैसी है, जब इन लोगों को रफ सी मिलता है तो होता कैसा है, हमसे पूछे हाल होता क्या है। हाँ जी, तो टुडे 17th ऑफ मे, और 17th ऑफ मे वो दिन था व्हेन वी वर सपोज टू एनकाउंटर द स्वेल, बट गेस व्हाट, देयर इज नो स्वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एक्शंस लिए थे दे प्रूव टू बी वेरी वेरी गुड। अब जनाब अगर आप इस वोंग फोंग को देखें तो वोंग फोंग पहली बात तो ये कि वीक हो चुका है बहुत ज़्यादा। लैंड पे इसने हिट किया था, फिलिपीन के लैंड पे जब ये चढ़ गया तो उसको जारी बात है पानी नहीं मिला, इसको मॉइस्चर नहीं मिला, हॉट एंड ह्यूमिड एयर नहीं मिली, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सका। अब ये फिलिपीन से निकल गया एंड इट इज़ सपोज टू अफेक्ट अस जस्ट अ लिटल, नॉट मच, जस्ट अ लिटल, बट इट्स रियली नॉट। ये हमारा जहाज़ है, ये वोंग फोंग है। वॉयज जो रूट है वो ये बता रहा है कि हमें स्वेल मिलनी चाहिए 1.2 मीटर की, लेकिन स्वेल है कहाँ से, पीछे से। और अब जो स्वेल पीछे से है तो इसका मतलब है कि स्वेल की वजह से हम रोल नहीं करेंगे, बल्कि इनफैक्ट हमें फ़ायदा हो रहा है, स्पीड ज़्यादा हो गई है। स्वेल पीछे से आ रही है, धक्का मारी जा रही है, बोल रही जाओ सिंगापुर की तरफ। वी टुक द एक्शन इन टाइम। हमने उस दिन दो दिन पहले हमने इसके ट्रैक को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए हमने स्पीड बढ़ा दी, और स्पीड बढ़ाने से हमें एडवांटेज ये मिला कि हमें इस TRS यानी कि ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म के मिनिमल इफेक्ट मिले। दो दिन थोड़ा सा रोल किया, पहले दिन भी आपने देखा होगा जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो कैमरा ज़रा हल्का सा रोल कर रहा था, फ्रेम हल्का सा रोल कर रहा था। दूसरे दिन थोड़ी बहुत रोलिंग ज़रूर हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर सेव्ड फ्रॉम द वर्स। वी डिड द एक्शन वेल इन एडवांस, लैंडेड वेल इन एडवांस, ओके, सो वी डिडंट हैव एनी इफेक्ट ऑफ द मच इफेक्ट ऑफ द TRS आल्सो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अदरवाइज वी वुड हैव बीन इनसाइड द TRS एंड वी रोल कर रहा होता। या इट वाज 105 108 नॉट्स, या 135 नॉट्स, आई थिंक 135 नॉट्स। That was a lot. This was काफ़ी strong था, Philippine पे चढ़ने के बाद काफ़ी weak हो गया। तो all in all, I think we avoided the worst. और अब हमें इसका effect ऐसे मिल रहा है कि हमें ये खुद धकेल रहा है। आज ना तो आपको seagulls नज़र आएंगे क्योंकि कोई भी island नहीं है पास में, ना आज आपको बड़ी बड़ी waves नज़र आएंगी क्योंकि तूफ़ान आके गुजर चुका है। और एक जो कहा जाता है ना कि तूफ़ान के आने के बाद खामोशी हो जाती है, ये वही खामोशी हुई हुई है। बादल भी नहीं है, आई मीन इस तरफ हैं थोड़े से बादल, यस इस साइड में हैं थोड़े से बादल, लेकिन बाकी हर तरफ बिल्कुल होराइज़न पे आपको थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, बाकी आपको बादल भी कोई नहीं नज़र आ रहे। इनफैक्ट आज ना थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है, ठीक है। वैसे भी हम लोग डालियान गए, चाइना गए, ताइवान के पास से गुजरे, वहाँ पे ठंड थी काफ़ी, तो आज अगर नॉर्मल मौसम भी है तो हमें गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ना कहीं पर मौजें हैं, ना कहीं पर लहरें हैं, बिल्कुल पुरसकून हुआ हुआ है समंदर, एब्सोल्युटली पुरसकून। तो आप जो आज तक सुनते आए हैं ना मुहावरा कि तूफ़ान के आने के बाद खामोशी हो जाती है और तूफ़ान के आने से पहले भी खामोशी होती है, दोनों बातें ठीक हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू के वट एक्शंस कैन वी टेक। हमारे पास ये ऑप्शंस होती है कि हम स्पीड बढ़ा के तूफ़ान से पहले गुजर जाएं, स्पीड कम करके तूफ़ान को आगे से गुजरने दें फिर गुजर जाएं। तो दो दिन हमें थोड़ी बहुत वेव्स वगैरह ज़रूर मिली, थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट ज़रूर हुई, लेकिन जैसे ही मैं सोच रहा था ना कि पूरा जहाज़ एकदम पेंडुलम कितना हिलेगा, अल्लाह का शुक्र है वैसा नहीं हुआ। So I hope you guys have really liked this video and you guys have enjoyed this video and you must have seen a new aspect of our life. If you did, consider subscribing and consider liking this video. Apna bahut khayal rakhiyega, duaon mein yaad rakhiyega. This is Orange Shorts. I am Zahid. Allah Hafiz.